बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हाफिज़ मोहम्मद खालिद फ्रॉम दी डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल रहीम यार खान। टुडे इज 7th May 2020। टुडेज आवर टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखनी है जिसमें पूरी फीस माफ़ करने के लिए कहना है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल ए बी सी। आपको पहले भी बताया था कल भी के जो है हमने द प्रिंसिपल में द का टी कैपिटल लिखना है, प्रिंसिपल में पी कैपिटल लिखना है और उसके बाद कॉमा देना है। फिर चूँकि बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं इसलिए हमें गवर्नमेंट हाई स्कूल ही राइट करना है और उसके बाद भी कॉमा। जो जो लेटर्स बेटे कैपिटल राइट करने हैं उसको मैंने रेड कलर से शो कर दिया है ताकि जो बीच में जो है सेंटेंस के लेटर्स आ रहे हैं और उनको कैपिटल करना है। और आपको पता है कि नया सेंटेंस जब भी स्टार्ट किया जाता है उसका पहला लेटर भी हमेशा कैपिटल है, इसलिए उनको मैंने रेड नहीं किया, लेकिन आपने उसको भी देख लेना है। उसके बाद ए डॉट बी डॉट सी, यानी यहाँ पे हमने सिटी नेम राइट करना होता है, तो चूँकि बोर्ड में मना है सिटी नेम राइट करने का के लिए इसलिए हमने वहाँ पे उसकी जगह पे लेटर्स यूज़ किए हैं ए डॉट बी डॉट सी। सर, सर के बाद कॉमा और सर में एस का कैपिटल राइट करना है। फिर हमने जो है नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो वन वर्ड की स्पेस देकर पैराग्राफ स्टार्ट करना है। विद ड्यू रिगार्ड्स इट इज़ स्टेटेड दैट, इसका मतलब यह है कि अदब से गुजारिश है। That I am a student of 8th class, के मैं जो है 8th class का तालिब इलम हूँ। This year I topped the list in the annual examination, इस साल मैं examination सालाना इम्तिहान में सबसे ऊपर रहा हूँ। My father is a poor man, मेरे वालिद जो है गरीब आदमी है। He has a large family to support, उनको एक बड़े ख़ानदान की जो है support करनी पड़ती है। He cannot bear my expenses, वो मेरे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मेहरबानी करके मेरी पूरी फीस माफ़ की जाए। आई इन्जॉयड दिस कंसेशन लास्ट ईयर आल्सो, मैंने पिछले साल भी इस कंसेशन से फ़ायदा उठाया था। आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा इस काम के लिए। योर्स ओबीडियंटली, आपको बताया भी था कि योर्स में वाई कैपिटल राइट करना है, ओबीडियंटली में जो है वो स्मॉल राइट करते हैं, बच्चे इसमें कुछ जो है वो कैपिटल राइट कर देते हैं जो गलत है, और लास्ट में कॉमा लाजमी देना है। और नेक्स्ट में नेम की जगह पे एक्स डॉट वाई डॉट जी तीनों कैपिटल लिखेंगे, तीनों के बाद फुल स्टॉप लिखेंगे, उसके बाद रोल नंबर जो आपका है वो राइट करना होता है और आज की डेट। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारे पास, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। स्कूल छोड़ने के लिए जो है सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रिंसिपल के नेम पर हमने एप्लीकेशन राइट करनी है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल ए बी सी सर, ये बिल्कुल वही मेथड है सब एप्लीकेशन में जो पहले बताया जा चुका है। विद ड्यू रिगार्ड्स इट इज़ स्टेटेड दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू लाहौर, नहायत अदब से गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब का लाहौर तबादला हो चुका है। ही विशेज़ टू टेक अस ऑल देयर, उनकी ख्वाहिश है कि हम सब उनके साथ जाएँ। सो आई कैन नॉट स्टे हेयर अलोन, इसलिए मैं यहाँ पर अकेला नहीं रह सकता। वी आर टू लीव फॉर लाहौर टुमारो, हम लाहौर के लिए कल रवाना हो रहे हैं। काइंडली ग्रांट मी अ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट टूडे, मेहरबानी करके आज मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट दिया जाए। आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। योर्स ओबीडिएंटली, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, जो लेटर्स हमने कैपिटल राइट करने थे बेटे उनको मैंने जो है बोल्ड करके और रेड लेटर से जो है उसको शो कर दिया है। थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर चेंज ऑफ योर सेक्शन। आपने अपने सेक्शन तब्दील करने के लिए प्रिंसिपल के नेम पर एप्लीकेशन देनी है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल ए डॉट बी डॉट सी सर, विद ड्यू रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट आई
रीड इन ग्रेड 8 सेक्शन ब्लू। नहायत अदब से गुजारिश है कि मैं क्लास 8 के सेक्शन ब्लू में पढ़ता हूँ। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर आल्सो माई नेबर्स आर इन सेक्शन रेड। मेरे ज़्यादातर दोस्त जो कि मेरे हमसाए भी हैं वो सेक्शन रेड में पढ़ते हैं। माई पेरेंट्स हैव अलाउड मी टू चेंज माई सेक्शन। मेरे वालदेन ने भी इजाज़त दी है कि मैं अपना सेक्शन तब्दील कर लूँ। काइंडली चेंज माई सेक्शन फ्राम 8th ब्लू टू 8th रेड। मेहरबानी करके मेरा सेक्शन 8 ब्लू से 8 रेड में तब्दील किया जाए। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। मेहरबानी होगी इस काम के लिए मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। योर्स ओबीडियंटली एक्स वाई जी रोल नंबर और डेट May 7, 2020। बेटा तमाम एप्लीकेशंस जो हैं इसी पैटर्न पे आपने जो है लिखनी होती हैं। तो बेटा आज की आपकी जो डायरी है वो एप्लीकेशंस को नोटबुक के ऊपर राइट भी करना है इसी पैटर्न से जैसे आपको बताया गया है और लर्न भी करना है। आपके मैट भी करीब हैं इसलिए लाजमी इनको लर्न कर लें।